ये है टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। रूस यूक्रेन स्लोवियांस्क शहर में हुए रूसी हमले में 2 की मौत, यूक्रेनी नागरिकों की गिरफ्तारी पर यूएन ने रूस की निंदा की। कोरोना देश में बीते 24 घंटे में नए केस में 12% की बढ़ोतरी, मंगलवार को महाराष्ट्र में मिले सबसे ज्यादा नए मामले। घरेलू एलपीजी की कीमतें बढ़ी, 14 किलो वाले सिलेंडर के दाम 50 रूपए और 5 किलो वाले की 18 रूपए ज्यादा हुए। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 53,400 के पार, निफ्टी भी मजबूत, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से अच्छा सपोर्ट। रोहित ने आज ही के दिन बनाया था शतकों का रिकॉर्ड, संकारा को पछाड़ा और वर्ल्ड कप में सबसे अधिक 6 शतक लगाने के सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी की। काशी को मिलेंगे 1800 करोड़ के नए प्रोजेक्ट, पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर होंगे, इंटरनेशनल लेवल का इंडोर स्टेडियम बुद्धिस्ट सर्किट तैयार होगा। अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार, नुपुर शर्मा को दी थी सिर कलम करने की धमकी। हिंदुत्व दाऊद इब्राहिम और मुंबई धमाकों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, महाविकासीय अघाड़ी पर हमला। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकी से भाजपा के कथित संबंधों की हो न्यायिक जांच, टीएमसी ने उठाया मुद्दा। देश की पहली कोरोना टैबलेट सीडीएल कसौली में परीक्षण के पहले चरण में पास, अब होंगे क्लिनिकल ट्रायल। कुल्लू के मणिकर्ण में फटा बादल, 4 लोग लापता, किन्नौर में भूस्खलन होने से NH5 बंद। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 2 स्थानीय आतंकियों ने किया आत्मसमर्पण। मेरठ में दिन निकलते ही पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल, 13 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश के सबसे बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के वेयरहाउस में की थी चोरी। आज दिल्ली के कुछ भागों में हो सकती है हल्की बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना। देवरिया में आज आएंगे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तिका का विमोचन करेंगे। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट, आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर के समीप उड़ाए गए थे गुब्बारे, वाराणसी में सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही। जमानत के बाद एंकर रोहित रंजन लापता, रायपुर डीएसपी की शिकायत पर बोले, यूपी के अफसर जो करना है कर लो, शिकायत पर भी सहयोग नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या, हमलावरों ने सूफी बाबा के सिर पर मारी गोली। 10 जुलाई तक रुक रुक कर होगी बारिश, धूप और उमस करेगी परेशान, आगरा बुंदेलखंड समेत 33 जिलों में हल्की बारिश के आसार। 2 मंत्रियों के इस्तीफे से ब्रिटेन में सियासी संकट, ऋषि और साजिद का इस्तीफा, पीएम जॉनसन पर भी पद छोड़ने का दबाव बढ़ा। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।